द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए हम लोग उनके अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी कि 50 नंबरों के सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं और ये आपका टोटल 37 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फटाफट हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो हमारा यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है उसमें लिखा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प आपको पढ़ना है और विकल्प पढ़ के फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए अथवा आप अपने मन में भी आंसर को दोहरा सकते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में आपका जो पहला विकल्प धान का खेत, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो किस तरीके से सबसे अच्छी विद्युत बनाई जा सकती है? स्वाभाविक सी बात है, जल विद्युत यानी कि जल के द्वारा। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो ये जो राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पर है? ये है कच्छ की खाड़ी में, यानी कि आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। फटाफट विकल्पों को पढ़ते रहिए और आंसर बताते चलिए। हम लोग किसी भी प्रश्न का डिटेल में व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोचिंग से पढ़ ही रहे होंगे। आप सभी लोगों ने अपने नोट्स बनाए होंगे और किताबों को भी खरीदा होगा। यदि आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और उस टॉपिक को जाकर डिटेल में बुक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट का यही मतलब ही होता है कि जो आप लोगों ने दिन भर में पढ़ा है उसमें से कितना आपको याद है, कितना आप कर सकते हैं, यही प्रैक्टिस सेट का मुख्य उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का अपना एक वैल्यू होता है। जो आप बुक से पढ़ते हैं उसकी अपनी वैल्यू होती है, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसकी एक अपनी अलग वैल्यू होती है। चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए, अलग अलग ही करके पढ़ना चाहिए। पांचवें नंबर चलते हैं। मिथाइल प्रोपेन निम्न में से किसका एक समावयव होता है? तो मिथाइल प्रोपेन किसका एक अवयव होता है ये आपको बताना है। पाँचवें नंबर पर एन ब्यूटेन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऐसी है जो रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को कम करती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन घोलकर बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाता है, तो ये ऐसी क्षमता किस गैस में है जो हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देती है? तो उस खतरनाक गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। यदि हमें ब्लड प्रेशर मापना है यानी रक्तचाप को मापना है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए यहाँ पर आपका दिए गए विकल्पों में स्पाइगनोमीटर ये आपका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू की आदत किससे होती है? यहाँ पर आप ऐसा भी कह सकते हैं तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो तंबाकू में सबको पता है निकोटीन पाया जाता है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है यानी कौन सा जोड़ा सुमेलित है, हाँ कौन सा जोड़ा सही है यही आपको बताना है। 9वें नंबर के प्रश्न में देखिए त्वचा कैंसर का जो कारण है वो परावैगनिक किरणें हैं, यही वाला जोड़ा आपका सही है और बाकी सारे जोड़े जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही रहेगा। 10वें नंबर चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये संस्थान कहाँ पर है? ये संस्थान है नागपुर में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक पुरस्कार है जिसका नाम है ग्लोबल 500, ये पुरस्कार किस क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण से संबंधित काम करने के लिए पर्यावरण प्रतिरक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों को ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? तो टोटल कितने शहर हैं भैया? 53 शहर हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए 13 नंबर से आपके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो कुछ रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी के रीजनिंग के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ये आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा सामान्य ज्ञान की, उसमें रीजनिंग की अलग से 20 वीडियो बनाई गई है जिसमें आपको पूरी रीजनिंग समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से आपको रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करना है। यहाँ पर गुलाबी क्या होता है, गुलाबी रंग होता है, तो गरुड़ क्या होता है, गरुड़ पक्षी होता है, बच्चों वाला ये प्रश्न है। आगे ये रक्त संबंध का प्रश्न है, इसको आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 नंबर में हमें विषम शब्द चुनना है, तो एक मांसाहारी बाघ, शाकाहारी गाय, खरगोश शाकाहारी, मांसाहारी कुत्ता, तो ये आपका विषम कौन है, सी है, क्योंकि इसमें जानवर का नाम पहले है और वो शाकाहारी है अथवा मांसाहारी ये बाद में लिखा गया है, जबकि तीनों में अलग है, तो ये आपका विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो 9 दिन पहले गई थी यानी कि 9 दिन पहले कौन सा था, बृहस्पतिवार था, 9 दिन में अगर 7 दिन जोड़ देंगे तो यानी कि हमारा क्या बचा, 2 दिन पहले बता, तो 2 दिन पहले क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। अब आगे शुक्रवार और आखिरी 9वां दिन शनिवार, यानी कि विकल्प भी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। ये अंग्रेजी जो वर्णमाला है उससे संबंधित प्रश्न है, ये से सारे प्रश्नों को हम लोग हजारों बार सॉल्व कर चुके हैं, आप 20 प्रैक्टिस सेट जो रीजनिंग के बनाए गए हैं उसको देख लीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, तरुण पूरब की ओर जा रहा है और उत्तर की ओर उसे जाना है, ये दिए गए विकल्पों के अनुसार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले दाएँ घुमाओ, फिर दाएँ, फिर बाएँ, फिर बाएँ, फिर दाएँ, तो इस प्रकार पहले विकल्पों के आधार पर उसे घुमाते रहिएगा और जब आपको जिस विकल्प में उत्तर दिशा मिल जाए एट लास्ट, वही आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सभी लोगों को कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा। इस PDF को क्या है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव भाई साहब थे, विकल्प भी हमारा यहाँ पर सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ पर है, गलत मत करिएगा ऐसे प्रश्नों को, मौलिक कर्तव्य आपके आर्टिकल 51 के ए में हैं। बुल एंड बियर ये किससे संबंधित हैं, तो अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बुल और बियर स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है, तो मौद्रिक नीति का घटक कौन सा नहीं है, दिए गए विकल्पों में आपका विकल्प डी सार्वजनिक ऋण बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंकों को यह करना चाहिए, यानी कि क्या करना चाहिए अगर हमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, तो ध्यान से बताइएगा इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा, इसमें आपका सी विकल्प सही रहेगा, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पाकालीन यहाँ पर बात हो रही है, हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, महदहा से प्राप्त हुए हैं, तो महदहा आपका विकल्प सी में है, यानी कि ये आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। और 26 नंबर में हमें मिलाना है भैया जोड़ा, तो जोड़ा पहले मिलाएंगे बाद में विकल्पों को देखेंगे, महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो चलिए जोड़ा मिलाते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ था, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ये तीसरे नंबर पर जाएगा। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में हुई थी, यह दूसरे नंबर पर जाएगा। प्रथम प्रवचन इसने उन्होंने कब दिया था, सारनाथ में, ये पहले नंबर पर जाएगा। उनका निधन कहाँ हुआ है, कुशीनगर में, ये चौथे नंबर पर जाएगा। तो आपका जो जोड़ा बन रहा है 3, 2, 1, 4 बन रहा है, ये कहाँ पर है, 3, 2, 1, 4 ये आपका सी में है, तो आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान है जिसका नाम है अश्वघोष, ये किसके समकालीन थे, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होना चाहिए, 27 नंबर के लिए कनिष्क बिल्कुल आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने हराया था,
तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पर, विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था उसे क्या कहते हैं? तो गांव के कार्यों को देखने वाले लोगों को आयंगार कहा जाता था। पहला वाला विकल्प सॉरी तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। रुपए का सिक्का भारत में सबसे पहली बार किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो रुपए का सिक्का सबसे पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में चलाया गया था। नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट को बंदी बनाया था? तो किसको बंदी बनाया था भैया? उसका नाम है मोहम्मद शाह। विकल्प भी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, कौन से समाज सुधारक ने भारत से बाहर भारतीय राष्ट्रीयता को फैलाया था? तो ऐसा किसने कहा था किया था? ऐसा स्वामी विवेकानंद ने किया था। आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सूरत में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे घोष साहब, आर बी घोष। हमारा विकल्प डी 33 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो भारतीय स्वतंत्रता का जो आधार थी वो माउंट वेचन योजना थी, जो कि 1946 में आया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था। क्लियर। क्रिप्स मिशन 1942 है, बेबल, ये जो बेबल परियोजना है ये 1945 है, और माउंट वेटन योजना 1946 है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी 2020 में जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है उसमें भारत का कौन सा स्थान था? तो उसमें भारत का टोटल 86वां नंबर था, यानी कि पहला विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे जो है 42वें उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 42वें उपसेना प्रमुख कौन से हैं? सीपी मोहंती साहब हैं। आपका सी वाला विकल्प यहां पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये भंडारी साहब को दिया गया है। आपका विकल्प डी यहाँ पर राजेंद्र कुमार भंडारी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? तो भारत का 100वां एयरपोर्ट जो बना है वो किस राज्य में बना है? वो आपके सिक्किम राज्य में बना है। विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्टेचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है? तो ये बंगाल में बनती है, और बंगाल से का पड़ोसी देश कौन है? बांग्लादेश। आपका विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न होती है? तो क्यूरिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित है? तो क्यूरिंग होता है तंबाकू की फसल में। विकल्प बी 41 नंबर के लिए आपका बिल्कुल सही है। 42 नंबर में कथन और कारण का प्रश्न है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, बाद में विकल्प को पढ़ेंगे। भैया कथन में देखिए क्या लिखा है, प्रायद्वीपीय भारत के सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बिल्कुल सही, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं, तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है। इसके कारण में क्या दिया गया है? नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंस घाटी से होकर बहती हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और कथन का स्पष्ट व्याख्या कारण कर रहा है, तो यानी क्या सही होना चाहिए? हमारा विकल्प ए सही होना चाहिए। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है? तो सबसे अच्छी मिट्टी भारत में कौन सी है, जहाँ पर पैदावार सबसे ज़्यादा होती है? उसका नाम है जलोढ़ मृदा। क्लियर, विकल्प सी हमारा सही है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की जो 7 बहनों का ग्रुप है उसमें शामिल नहीं है? तो 7 सिस्टर में कौन से राज्य शामिल नहीं हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे जो बड़ा राज्य है पश्चिमी बंगाल, वो हमें पहले ही मिल जाता है, पूर्वोत्तर भारत स्टार्ट होने से पहले ही मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर दिए गए विकल्पों में आपका पश्चिमी बंगाल बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो पहली बार जो राज्यसभा का गठन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? तो स्वाभाविक सी बात है 1952 में चुनाव होंगे, तो 1952 में ही पहली बार राज्यसभा का गठन किया जाएगा।
46 नंबर में हमें जोड़ा मिलाना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ा पहले मिला, अच्छा विकल्प भी नीचे ही दिए ही गए हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। जोड़ा देखिए मिलाते हैं, पहले जोड़ा मिला लेते हैं। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से, सीधा सीधा जा रहा है। आर्टिकल 41 ये काम करने का अधिकार देता है, ये भी बिल्कुल सीधा है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता है, ये भी बिल्कुल सही है। कॉमन सिविल कोर्ट जिसे कहते हैं। और अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन संबंधित, ये भी बिल्कुल सीधे सीधे जोड़े मिल रहे हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 होगा। और ये किस में है? विकल्प ए में है। तो पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 14वें जो वित्त आयोग है बनाया गया है उसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में यही चल रहा है, तो सॉरी वर्तमान समय में नहीं, ये ख़त्म हुआ था 2018 में। तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? YV रेड्डी थे। अगर आपको पता है कि वर्तमान समय में जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर पर, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंकित किया गया? तो भारत सरकार ने जो राजकीय चिन्ह अपनाया है वो कब से अपनाया है, यही आपको बताना है। स्वाभाविक सी बात है, हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी कि ये घटना भी 26 जनवरी 1950 की है। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष में जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था भैया, किस वर्ष अपनाया गया, सॉरी किस वर्ष लिखा गया है? तो ये जो जनगणमन था ये 1949 में अपनाया गया आपका, सॉरी ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, कुछ कहने वाली इसमें बात नहीं है। यहाँ पर आपका विकल्प सी सही रहेगा। तो 49% के लिए आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे पढ़ते हैं 50वें नंबर पर, और 50 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का कटोरा कहा जाता है, सॉरी भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है, कभी कभी कुछ जवान लड़खड़ा जाती है। तो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है? 50वें नंबर में जो गोदावरी और कृष्णा नदियों का डेल्टा क्षेत्र है उसी को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। यहाँ राज्य के बारे में आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा विकल्प सी 50 नंबर के प्रश्न के लिए ये आपका उपयुक्त विकल्प है, छत्तीसगढ़ को टिक मत करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने जो आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं उसके 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन टोटल 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा यदि आपके पास कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो या कोई भी चीज़ बताना हो तो उन सारी चीज़ों को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक काम और कीजिएगा आप सभी लोग, ये हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से निवेदन है कि यह यूट्यूब चैनल अभी बिल्कुल नया है, इसलिए इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम लोग भी कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर सकें। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।